नमस्ते बच्चों, आज हम उदाहरण नंबर 9 पेज नंबर 116 पर देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ठीक है। इसके बराबर में हमें 1/16 राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, cos 40 और cos 20 को एक साथ लेना लिख लिया, इसके साथ में हमने उनका गुणा उनका भाग कर दिया है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 80 की संख्या में ऐसा। अब हमारे पास में यहां पे फार्मूला लगाएंगे, 2 cos a cos b का फार्मूला। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b, ठीक है ना। 1/2 को बाहर आई से इसी जगह cos a की जगह आपके पास 40 है और b की जगह 20 है, तो cos a plus b मतलब 40 plus b, cos a minus b मतलब 40 minus b, 1/2 बाहर आई से और cos 80 है। 1/2 1/2 का गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। cos 40 plus 60 सॉरी cos 40 plus 20 cos 60 हो जाएगा, cos 40 minus 20 cos 20 हो जाएगा, cos 80 बचा आपके पास। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 cos 20 की ऐसा था ऐसा का वैसा और cos 80 1/4 into में 1/2 cos 80 का अंतर गुणा करेंगे तो 1/2 into cos 80 cos 20 के साथ में cos 80 का गुणा कर दिया। यहां पे हम क्या करेंगे, वही 2 का गुणा 2 का भाग और cos a cos 2 cos a cos b का फार्मूला लगाएंगे। एक ही जगह आपके पास में 80 है, दूसरी जगह कितना है 20, तो 1/2 इनटू cos a plus b मतलब 80 plus 20 और a minus b मतलब 80 minus 20, ठीक है। यहां 2 cos a cos b का हमने फार्मूला भी लिख दिया है, तो 1/4 को बाहर जैसे 1/2 cos 80 जैसा था वैसा का वैसा 1/2, ये हो जाएगा cos 100 और ये हो जाएगा cos 60। cos 80 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का cos थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 180 माइनस 80, 180 में से 80 जाएगा कितना आ जाएगा cos 100, ठीक है। तो 1/2 माइनस का cos 100 से 1/2 प्लस का cos 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां cos 60 की वैल्यू हमने कितनी रखी है 1/2, ठीक है। और cos 60 ये 1/2 और 1/2 का इनटू करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/4 तो अपने पास में पहले से था, 1/4 ये आ गया, ठीक है। 1/4 1/4 का इनटू करेंगे 1/16, यही राइट हैंड साइड में हमने सिद्ध करना है। धन्यवाद।